आप सबों को जय सु। दैनिक आहार के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। प्रभु येसु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का सुसमाचार फरीसी और नकेदार का दृष्टांत के बारे में बताता है। इस दृष्टांत में बताया गया है, दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए। फरीसी मन ही मन प्रार्थना करने लगा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्याभिचारी नहीं हूं और ना ही इस नकेदार की तरह। या फरीसी को अपने कार्यों को लेकर घमंड था और प्रार्थना में भी अपने ही कार्यों का गर्व कर रहा था। और दूसरी ओर नकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का साहस नहीं था। वह छाती पीट पीट कर कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। यीशु कहते हैं, यह पाप मुक्त होकर अपना घर गया। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को विनम्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए कहता है। हमें याद दिलाता है कि हम सबों को ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। घमंड हमको अंधा बना देता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 कहता है, घमंडी को अपमानित किया जाता है किंतु विनम्र में प्राज्ञा का वास है। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 3, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का सुसमाचार को मन में रखते हुए अपने जीवन को देखें, अपने सभी पापों को लेकर ईश्वर के पास आएं, प्रभु की दया और प्रेम में दृढ़ विश्वास करते हुए ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार ईश्वर ने उस नकेदार को पाप मुक्त किया, हमें भी नया जीवन देंगे। आमीन।